आप लोग सब कैसे हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खीर। बहुत ही जल्दी बनता है और टेस्टी भी होता है। चलिए आज बनाते हैं साबूदाने की खीर। पहले हम लोग एक पैन लेंगे, इस पे एक छोटा ग्लास पानी लेंगे। फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। देखिए मैंने छोटा ग्लास लिया तो उसमें मैंने दो ग्लास पानी लिया है और गैस के फ्लेम को थोड़ा मैं हाई कर दी हूँ और पानी को गर्म होने के लिए दूंगी। थोड़ा पानी गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद हम उसके ऊपर सागू को डालेंगे, बॉईल करेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी होती है। देखिए पानी थोड़ा गर्म हो चुका है। मैंने 4 घंटे पहले सागू को भिगो के रखा था और इसे छोटा भी सागू आता है, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अभी मैं पानी में सागू को डालूँगी। अभी इसको थोड़ा बॉयल होने देंगे। अभी सागू देख सकते हैं आप, वाइट लग रहा है। आफ्टर बॉयल आप देखेंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी थोड़ा उसको ढक देते हैं। अभी उसको 5 मिनट्स के लिए ढक के रखते हैं। थोड़ा उसको ढक्कन हटा के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसे पूरा ट्रांसपेरेंट होने देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखते हैं। उसके बाद हम इस पर मिल्क ऐड करेंगे और साबूदाने को मिल्क के साथ बॉईल करने से दूध फट जाएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा पहले पानी में बॉईल कर लेने से अच्छा है। चलिए इसे और 2 मिनट अभी देखते हैं। 2 मिनट हो गए, देखिए बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अभी मैं इस पर बॉयल मिल्क, मैंने एक साइड पे दूध को गर्म करके रखा था, बॉईल कर लिया था। अभी मैं उस पर दूध डालूँगी, गर्म दूध। ये मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। थोड़ा हिला लीजिएगा, इनको थोड़ा मीडियम आंच पे रखिएगा। देखिए मैं इस पर सारा 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और केवल मैंने इलायची को कूट के रखा है। देखिए आप इस तरह इलायची पाउडर दे दीजिएगा। फिर ये मैं सिमाई को कढ़ाई पे रोस्ट, खाली कुछ नहीं सिमाई को डाल के मैंने सिंपल रोस्ट कर दिया है, उस पर मैं डालने वाली हूँ क्योंकि वो उसी के साथ भी बॉईल हो जाएगा। थोड़ा रोस्टेड सिमाई देंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। चलिए अभी इसे थोड़ा बॉईल होने देते हैं। फ्रेंड्स मैं उस पर कुछ चीज़ खिलाने वाली हूँ। इस पर मैं अभी जो भी कस्टर्ड पाउडर होता है ना, आप एक छोटे चम्मच पे 1 चम्मच लीजिएगा कस्टर्ड पाउडर और उसे रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क होता है आप वो उस पर डालिएगा रूम टेम्परेचर में। मिल्क देखिए उसका एक छोटा सा पेस्ट बनाइएगा, पेस्ट नहीं लिक्विड टाइप का भी होने से चलेगा क्योंकि हम जब बन जाएगा हमारा खीर हम उस पर देंगे तो उसका एक अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर भी आता है उस पर। अभी इसका ढक्कन मैं उठा के देखती हूँ। अच्छे से हो गए हैं। अभी मैं उसको चीनी ऐड करूँगी, उस पर चीनी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 स्पून चीनी ली हूँ। इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखिएगा।
अभी उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स काजू पिस्ता बादाम को मैंने अच्छे से कूट लिया है। थोड़ा आप थोड़ा मोटा मोटा दाना रखिएगा क्योंकि वो मुँह पे आने से अच्छा लगता है। अभी मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अभी मैं उसमें थोड़ा सा किशमिश ऐड करूँगी। और थोड़ी देर तक हम लोग तक देखते हैं। देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इस पे मैं कस्टर्ड पाउडर डालूंगी अच्छे से। और एक बार फेंट लीजिएगा, उसे अच्छे से डालिएगा, मिक्स करिएगा जस्ट। और अभी 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए अभी 2 मिनट हो गया है, मेरा खीर बनके रेडी है, आप भी देख सकते हैं। अभी चलिए इसकी प्लेटिंग करेंगे। गैस के फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए मेरी खीर बनके रेडी है, आप भी घर पे ट्राई करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।